यार कभी कभी ना वर्ल्ड जनरेट होते होते क्या पता किसकी नजर लग जाती है, ऐसे अजीब से ग्लिच होते हैं ना जिससे भाई उस वर्ल्ड में काफी ज्यादा स्कैरी चीजें होने लगती है। हाँ भाई, बस आपके मजे के लिए आज मैं ट्राई करूंगा कुछ स्कैरी सीड। देखो भाई, इसके लिए ना बड़ी हिम्मत चाहिए भाई, कोई एरो गेरो का काम नहीं है, ठीक है? तो फटाक से ना बस वीडियो को लाइक कर देना, बाकी सब तो मैं संभालूंगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हमारी पहली सीड से। तो देखो भाई, जो पहली सीड मैं ट्राई करने वाला ना, उसमें भाई बंदे कहते हैं कि स्पॉन पर ही ऐसी चीज बनी हुई है जिसके अंदर अगर कोई बंदा जाता है ना तो वापस नहीं आता। कितने नॉर्मल चीज है ना। ओके, ये मैंने सीड कर दी, पेस्ट करते हैं डन, और वर्ल्ड को नाम देते हैं बड़ा भूत। ओके, तो ये तो मैं आ गया वर्ल्ड में, और पहली नजर में तो सब बढ़िया ही लग रहे हैं, कोई ऐसी चीज तो है नहीं स्पॉन पे। मैं तो भाई फालतू में डर गया था, अरे अरे वही स्पॉन पे पता नहीं क्या ही चीज होगी। और ओए, अच्छा रूइन बोतल, इससे डरते क्या बंदे? उठा ले रे देवा, उठ। ओके लेट मी चेक। अरे शिट भाई, ये क्या भाई, ये रूइन पोर्टल लेटा हुआ क्यों है भाई? ऐसा रूइन पोर्टल मैंने कभी नहीं देखा भाई जिसके ऑब्सिडियन नीचे लगे हुए। आपने देखा है क्या कभी ऐसा रूइन पोर्टल? मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। अरे यहाँ पर ये सीप भी है भाई, क्या पता इसमें भी कुछ लोचे हो, जरा घूमियो। अरे नीचे नीचे कहा देख रही है, गंदे ही सारे। यार अभी तक तो बस मुझे वो रूइन पोर्टल मिला है भाई, उसको देख के कौन ही डरेगा। भाई ये क्या है भाई? ब्रो भाई ये कितना डेंजर दिखता है। अच्छा मतलब इसके अंदर बंदे जाने से डरते भाई साहब। यार देखो मैं सच बताऊं ना, तो ये मुझे थोड़ा सा राक्षस का चेहरा जैसा लग रहा है। देखो ये इसके दांत, ये अंदर बड़े बड़े दांत, ये इसकी आंख है, ये दूसरी आंख, और अंदर तो भाई अरे बाप रे, ये लगता है भाई किसी ने बनाया भाई, ये लेजिट मतलब नेचुरली कैसे स्पॉन हो सकता है? और ये क्या है, उतर आया ना औकात पे? यार अभी मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि इसके अंदर जाऊँ कैसे, यार मेरी लिटरली बहुत फट रही है। ओके हूफ भाई, मैं अंदर आ गया हूँ, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पर लावा पानी वगैरह बह रहा है, ठीक है भाई सारी चीज नॉर्मल है, बट ये ड्रिफ्ट टोन के ना कुछ हद से ज्यादा ही गहरी है। यार वैसे सच बताओ ना, मुझे तो बड़ा प्यारा नजारा लग रहा है भाई, अंदर आने से डरते क्यों है भाई बंदे? हाँ वैसे बाहर से थोड़ा सा डरावना लगता है, लेकिन अंदर से तो भाई सारी चीजें नॉर्मल ही लग रही है। ये एक सेकंड भाई, ये पहले कहाँ था यहाँ पर? देखो देखो मेरी नजर ना यहाँ पर पड़ी थी ब्रो, ये ऐसी कोई चीज नहीं थी यहाँ पर, ये क्रॉस आया कहाँ से ब्रो? और ये ड्रिफ्ट स्टोन नीचे बिखरे कैसे पड़े भाई, ये कैसे हो सकता है? और यहाँ पर ये क्रॉस आया तो आया कहाँ से? ये देखो यहाँ पर भी पड़े, नीचे भी पड़े, और व्हाट ये ऊपर वाले गायब, मतलब यहीं से गिराए गए ब्रो, कोई तो है। ओ शिट, ओ शिट भाई, ये इफेक्ट कैसे लग गया, इफेक्ट कैसे लग गया भाई, कोई तो है इस केव में ब्रो? नो 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 भाई, एक सेकंड मैं वर्ल्ड से निकल रहा हूँ भाई, बाल बाल बचाओ। और ये तो बस अभी शुरुआत है, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं सीट ट्राई करने वाला हूँ ना, उसका नाम है फैंटेजम। यस, उसका एक नाम है, ये कोई नंबर नहीं है। और जब मैंने इस चीज को गूगल किया ना कि इसका मतलब क्या बनता है, तो यहाँ पर लिखा था घोस्ट। हाँ बस इतना ही लिखा था। और इस सीड में कहते हैं कि भाई ये चीजें ना ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है, बस बाकी नॉर्मल है सब। लगने वाले बुरे। ओके, तो इस फैंटेजम सीड में मैं आ तो गया हूँ, और पेड़ लगे हुए, सूरज भी अपनी जगह पर है, सब कुछ तो नॉर्मल है। यहाँ पर ये पिग है, और ये क्या है? अच्छा अच्छा मुर्गी से क्यों डर रहा हूँ मैं? हाँ वैसे आप लोग भी ना इस वाली सीड को जरा ध्यान से देखना, क्या पता कोई चीज बदलती हुई दिख जाए। अरे 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 वो क्या है? अच्छा अच्छा मकड़ी घूम रही है भाई, इसने मेरा सर घुमा दिया था अभी। ओके ओके, यहाँ पर चार वुल्फ दिखाई दिए मुझे, इसके अलावा अभी तक तो इस सीड में कुछ अजीब चीज दिखी नहीं है मुझे, एक दो तीन और बोरा चौथा। लेकिन इससे क्या लेना देना भैया, ये कौन सी स्कैरी सीड है, मुझे कोई समझाएगा है? मैं सोचता हूँ नहीं यार, मतलब ऐसी सीड से डर गए ना तो फिर तो हो गया काम भाई। देखो कितना प्यारा सा विलेज है सामने, यहाँ पर ये पहाड़ी है, नीचे पानी बह रहा है। ओए कुछ था क्या वहाँ पर? यार देखो मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद कुछ था, लेकिन व्हाट द हेल ब्रो, ये क्या हो रहा है भाई? मेरे आंखों के सामने पेड़ टूट रहा है ब्रो, कैसे? वेट, देखते हैं ना, देखते हैं कौन है भाई, कौन है यहाँ पर, कुछ है क्या? यार कुछ भी तो नहीं है भाई, ये पेड़ टूटा कैसे? बस इसके नजदीक ये मुर्गी घूम रही है, मुर्गी में कुछ है, ये
कहाँ भाग रही है? ओए भाई भाई बदल दिए भाई, चीजें बदल दी। वहां से वो पेड़ गायब हो गया, यहाँ पर भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जैसी चीज बनी हुई थी वो भी गायब है। कहाँ वो देखा भाई, मैंने देख लिया, मैंने पकड़ लिया। वहां पर कुछ तो था। बहुत हो गया भाई, ये बच ही नहीं सकता मेरे हाथों से। कौन कर रहा है ये मस्करी भाई? बाहर निकल, इस पेड़ के अंदर छुपा। वो तो है भाई, कुछ था वहां पर है, कोई है। एक सेकंड, जाते धीरे नजदीक जाते हैं। क्या ये चीज क्या है भाई? कोई मूव है क्या? अरे भाई ये देखो भाई, कौन था ये? क्या था भाई साहब? निकलो। एंड ये बार बार ब्लाइंडनेस का इफेक्ट कैसे आ जाता है? ओके, ये पहाड़ का शेप क्यों बिगड़ा हुआ है? हाँ मैं वहीं पर तो था, और वहां पर गड्ढा कैसे? कुछ सही नहीं हो रहा है। निकल लो। भाई नहीं बच पाया इस फैंटेज़म वाली सीड में, लेकिन कोई नहीं, पूरा ट्राई करूंगा मैं नेक्स्ट सीड में बचने का। और नेक्स्ट सीड तो भाई बड़ी भयानक है। उस सीड के बारे में बंदे कहते कि उस सीड के स्पॉन के नीचे ही हमको एक एंशिएंट सिटी मिलती है, और उस एंशिएंट सिटी में हीरो ब्रायन लेजिट किसी भी वार्डन को स्पॉन होने ही नहीं देता, क्योंकि हीरो ब्रायन को वार्डन की पावर्स को यूज करके उस एंशिएंट सिटी पे रूल करना है। ओके, तो ये रही इसकी सीड, और अभी जाते हैं इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर मैं इस वर्ल्ड में आ गया हूँ, और बाहर से तो सब ठीक ही लग रहा है। यहाँ पर मस्त छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। हेलो, छोड़ो भाई उसको, जान दो। यहाँ पर एक विलेज भी दिख रहा है, और अभी मैं फटाक से आता हूँ स्पेक्टेटर मोड में। नीचे फटाक से जाते और देखते हैं कि सच में स्पॉन पे ये लोग नीचे एंशिएंट सिटी दे देते क्या? और भाई सच में है। ओके, तो मतलब पहली बात तो सच हो गई। यस भाई, हमको स्पॉन के नीचे ही एंशिएंट सिटी मिल जाती है। और अभी टाइम वेस्ट नहीं करने का ब्रो, वार्डन को स्पॉन करने के लिए कहाँ मेहनत लगती है, बस हाथ बरी तो चलाने, बस यहाँ पर चलते रहो, वार्डन ऑटोमेटिक स्पॉन हो जाएगा। आओ भाई बाहर आओ, छुप के बैठा रहता ये वार्डन भी जमीन के नीचे। ओके, आवाजें आ गई, और ये लो भाई वार्डन भी आ गया। भाई थोड़ा सा एकदम दबे पाओ, पीछे आ जाता हूँ। देखते भाई वार्डन पे स्पॉन तो हो गया, लेकिन लोग तो बोले थे कि हीरो ब्रायन वार्डन को स्पॉन नहीं होने देता है। और गए भाई, किसी ने ट्रोल कर दिया। व्हाट? अरे भाई ये तो मेरे आंखों के सामने निपट गया। बट कैसे यार, ऐसा हो ही कैसे सकता है? और ये देखो भाई, ये कहाँ से स्पॉन हो गया? मैं तो यहाँ से हिला तक नहीं, ऐसे कैसे स्पॉन हो जाते? ओ शिट भाई, ये तो निपट भी गया ब्रो। नहीं, कुछ तो लफड़े यहाँ पर। ओके, मैं थोड़ा सा दूर आ गया हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे वार्डन स्पॉन होते ही मर जा रहे। और एक सेकंड यार, ये तो वही दरवाजा ना जहाँ पर गोल्डन एप्पल खाने से खुलता है, लेकिन ये तो ब्रो पहले से खुला हुआ है। नहीं भाई, ये ऑटोमेटिक कैसे खुल गया यार? वैसे तो ये खुला नहीं रहता भाई, मुझे सही फीलिंग नहीं आ रही, सच बता रहा हूँ। ओ शिट भाई, ये क्या हो रखा है पीछे ब्रो? ये तो पूरा एरिया डिस्ट्रॉयड है भाई, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है भाई, ऐसे इन सिटी में पहली बार देख रहा हूँ। ओए, यहाँ पर तो भाई ये बुक भी रखी हुई है, बुक होती है क्या यार? मुझे कोई आइडिया नहीं, शायद तो नहीं होती है, वैसे भी देख लेते क्या हो गया। ओ नो भाई, ये सब क्या लिखा हुआ है भाई? ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है ब्रो, ये फॉन्ट कैसे ग्लिच कर रहे हैं? और क्या लिखा है ये? आई एम, फिर ये ग्लिच सा हो रहा है, और आई हैव रिटर्न्ड। भाई कौन है ये? और ये आगे क्या लिखा है? माय पोर्टल इज एंड विल एंड ब्रो। नो, ओ शिट भाई, ये ब्लाइंडनेस इफेक्ट कैसे लग गया भाई साहब? मुझे डाउट हो गया था, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मैं निकल रहा हूँ भाई यहाँ से, मैंने कोई बुक नहीं देखी यार। भाई चल क्या रहा है इस एंशिएंट सिटी में? और ये भाई, ये ब्लॉक्स में से बबल क्यों निकल रहा है? एक सेकंड, श्रिंकर का है यहाँ पर, पहले इसको तोड़ने दो, वरना वार्डन स्पॉन हो जाएगा। ओ नो भाई, हो भी गया। ओ नो ब्रो, अभी हीरो ब्रायन को और पावर मिल जाएगी। भाई वार्डन तो टिक भी नहीं पा रहे यार। ये वार्डन है या छचुंदर? भाई माइनक्राफ्ट का सबसे पावरफुल मूव है ना भाई, क्या हो गया? माफ कर दो भाई यार, ये बार बार ब्लाइंडनेस इफेक्ट कैसे आ जाता है? ओ शिट ब्रो, ये क्या हो रहा है? इंसेंसिट के अंदर बिजलियां कैसे कड़क रही है? ओ नो भाई, तभी उसने लिखा था बुक में आई एम कमिंग। भाई लोचे हो गए। भाई ये वार्डन और हीरो ब्रायन वाली सीड तो बड़ी भयानक थी, बट ठीक है, जैसे तैसे मैं निकल गया। लेकिन इसके ठीक बाद भाई मुझे एक अननोन बंदे से मेल आता है, और यहाँ पर भाई एक सीड स्नैपशॉट, उसके कोऑर्डिनेट्स, और नीचे एक इमेज दी हुई है जहाँ पर भाई बड़ा अजीब सा नेदर बेसिन दिख रहा है। और भाई सबसे डेंजरस चीज, उसके नीचे बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बिना मुंडे का पिगलिन ब्रूट। यस,
यार मतलब ये कुछ भी, ये भाई ये बहुत ज्यादा हो गया ठीक है। मतलब बिना मुंडी का पिगलिन ब्रूट माइनक्राफ्ट वाले क्यों ही बनाएंगे हैं। बट ठीक है फिर भी दिल को तसल्ली देने के लिए एक बार इस सीड को ट्राई कर लेते भाई क्या जाता है। चलो भाई चलो। ओके ये रही वो सीड, यहाँ पर सीधे मैंने छाप दिए और वर्ल्ड को नाम दे देते हैं पिगलिन ब्रूट। ओके तो यहाँ पर मैं इस सीड में हो चुका हूँ स्पॉन और ये ओवर वर्ल्ड तो मतलब मुझे एकदम नॉर्मल ही लग रहा है, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम दिख तो नहीं रही है। छोड़ो एक काम करते से नेदर में जाते हैं। ओके ये मैं आ गया नेदर में और सब कुछ ही तो सही है भाई, क्या एकदम नॉर्मली तो नेदर है। वेट पिगलिन ढूंढते, पिगलिन में कुछ गड़बड़ होगी। ओके ये रहा ज़ोंबी फाइट पिगलिन, ये चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा है। अरे कुछ नहीं है भाई, वही बच्ची सकल है। अरे 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 वेट भाई ये क्या चल रहा है भाई, स्ट्राइडर के ऊपर उसका बच्चा, फिर उसके ऊपर उसका भाई और उसके भी ऊपर ज़ॉम्बी फाइट पिगलिन। भाई ऐसा भी होता है क्या, मैंने पहली बार देखा ये। ओके तो अभी फटाफट से टीपी करते उस कोऑर्डिनेट्स पर जो कि मुझे उस ईमेल में दिए गए थे। ओके ओ नो भाई यहाँ पर तो सच में पेशन है ब्रो। बट तो क्या हो गया, नेदर पेशन तो होती है नेदर में। वेट इसकी एंट्रेंस का ओवर यहाँ पर आगे क्या, ओ शिट। और एक सेकंड वेट ब्रो, ये नेदर बेसन है ना, तो मतलब इसको प्रोटेक्ट करने वाले पिगलिन ब्रूट भी तो होने चाहिए, वो तो कहीं पर नहीं दिख रहे। कमाल है भाई, मतलब इनको खसाना चाहिए ही नहीं। और ये नेदर बेसन ना मुझे भाई डेविल फेस जैसा दिख रहा, पता नहीं क्यों इनकी ऐसे की तैसी। भाई नेदर बेसन जाए भाड़ में, मैं तो यहाँ पर मजे करूंगा, TNT फोड़ेंगे एकदम दबा के भाई। लेट्स गो, बूम बूम बूम, ये हुई ना बात। स्कैरी सीन ओ भाई, मजा आ गया भाई, नेदर बेसन को उड़ा ही दिया। तो ये अब पिगलिन ब्रूट कहाँ से आ गए। अरे भाई वो उड़ कैसे रहा है ब्रो, भाई ये क्या हो रहा है। ओ ये क्या, मैं ऑटोमेटिक सर्वाइवल में कैसे आ गया। अरे भाई ये तो पीछे पड़ गया भाई। एक सेकंड मैं क्रिएटिव में वापस भी तो आ सकता हूँ। ओ भाई वो देखो पिगलिन ब्रूट अभी भी उड़ रहा है ब्रो, और इसी में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये अजीब सा तो दिख रहा है मुझे, कुछ तो है भाई ये ऐसे ही तो। मैं जा रहा हूँ ठीक है। अरे बाहर जाने का रास्ता किधर है भाई, मैं कहाँ से निकलूँ। और वो भाई एकदम मेरे पास ही गया, अभी मेरे पास ही गया वो। ओके हट गया इफेक्ट हट गया यार, अभी मेरे पास ही गया भाई। यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर भी नहीं। अगर आपको वीडियो में मजा आया हो ना तो प्लीज फटाक से वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और पहले इस वर्ल्ड को डिलीट कर देता हूँ।